हमने बालकनी सीट पकड़ ली है, ये रही बालकनी और ये रहा वो दिया। तो हमें आ गए मंगलनाथ मंदिर में। अब ये हमको बताएंगे कि यहाँ पर होता क्या है। सुनो, ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, पूरी धरती पे एक ही मंदिर है मंगल का। वेलकम बैक गाइस। तो ये सेकंड टूर शुरू हो चुका है मेरा, जो अब हम शुरू कर रहे हैं। और शुरुआत में कर रहा हूँ लंच से, क्योंकि भूख लगी है, खाना खाएंगे उसके बाद कहीं जाएंगे। और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरा दोस्त मंकी जितेंद्र याद है तो ये रहे हमारे बाकी फ्रेंड्स जिनको आना था, वो उधर बैठे हुए हैं चार। ये तो हिंदर का डोसा आ गया, इसने आधा खाया भी लिया। हिंदर कैसा है भाई? नाटक कर रहा है यार। डोसा अगर हम शहरों में खाए वही सही होता है। कैलेंडर कैलेंडर हमारी थाली खाली है, हम वेट करते हुए यार बहुत भूख लगी है। कब आएगा ये? फाइनली हमारा खाना आ गया। तेजू थाली क्यों खाली है? लेना फटाफट निकाल थोड़ा। सो हमारी थाली है कुछ ऐसे दिख रही है, पनीर विथ रोटी प्याज। तेजस भाई नींबू नहीं छोड़ दे, दो दो खाली कटोरी का क्या करेगा तेजस? खाने का मजा है ये, थोड़ा सा नींबू। ये रही मेरी पहली बाइट। तो मेरा सेकंड ट्रिप शुरू हो चुका है गाइस। और क्या नाम होना भैया आपका? जितेंद्र भाई के साथ में हम पूरे अभी मंदिर टूर करने वाले, घूमेंगे थोड़ा सा, इंजॉय करते हैं भाई के साथ में और बताते कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी BMW जो रेडी हो गई है और मैं बैठ रहा हूँ। चलो जितेंद्र भाई, शुरू किया है हमने सेकंड टूर गाइस, कम ऑन। यहाँ पर ऐसा होता है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मतलब दो जगह पर मंदिर है, एक है शहर के बाहर और एक है शहर के अंदर। तो ये सारा है। तो शहर के अंदर का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर रह रहा हूँ महाकालेश्वर मंदिर के नज़दीक, तो आप वॉक करके, मतलब वॉकिंग, आप जो मंदिर है यहाँ पर आप वो वॉक करके अटेंड कर सकते हो। शहर के बाहर 25 किलोमीटर के दायरे में और भी मंदिर है, जिसके अंदर मेन है काल भैरव। काल भैरव अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, वो शहर के बाहर है। तो अगर आप ऐसे रिक्शा बुक करते हो, तो जैसे कि अभी हमें इन्होंने 450 में हमें बुक किया है, 25 किलोमीटर एंड 3 to 4 hours लगेंगे पूरा, डिपेंडिंग ऑन द आज स्पीड, हम कितना जल्दी जल्दी दर्शन कर लें। तो ये हमारे साथ ही रहेंगे, ये हमें सारे मंदिर लेके जाएंगे, टूर करवाएंगे एंड फिर हमें वापस ला के यहीं पर छोड़ देंगे। तो अगर आप भी अगर ऐसा कुछ प्लान करते हो, तो आप अपने हिसाब से विजुअली आप रिक्शा वालों से या ऑटो रिक्शा से किसी से भी आप बात करके आप बुक कर सकते हो, एंड ये आपको प्रोवाइड करवाएंगे ऐसी चीज़ें कि कहाँ कहाँ जाना है। आ गए हैं, ये पहला मंदिर है, गढ़ काली का मंदिर, माता का मंदिर है। तो यहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है ये मंदिर, बाहर सारे पूजा के सामान वगैरह है, सारे रिक्शा वाले यहीं पर खड़े हैं। हम अपने सेकंड लोकेशन पर आ गए हैं, महर्षि सांदीपनि आश्रम। इसमें क्या हुआ था राजेश भाई? कृष्ण बलराम सुदामा जी ने बड़े ही विद्या प्राप्त की। ओके,
यहाँ पर कृष्ण एंड बलराम जी एंड सुदामा जी ने पढ़ाई करी थी, मतलब कहना है यहाँ पर इनका ये है। तो लेट्स सी, देखते हैं अंदर कैसा क्या होता है। तो ये एक मंदिर है और वहाँ पर एक मंदिर है, अभी हम वहाँ पर जाएंगे। पर अंदर की क्रिप लेना, मतलब मूर्ति की क्रिप लेना बहुत ज़्यादा मना है। लेट्स सी मैं क्या कर सकता हूँ, देखते हैं। कहाँ? तो ये पढ़िए गाइस। श्री शिवाय नमः व्यापार च रुद्राक्ष 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 सारी चीज़ें पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है। ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए आप देख सकते हो, ये 14 विघाय है जिसके अंदर सारे वेद है, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये सारा है यहाँ पर, जहाँ से वेदों की शुरुआत हुई थी। सो ये कुआं है, गोमती कुंड कहते हैं इसको, जहाँ पर भी कछुए हैं। आपको मैं दिखाता हूँ कछुए। सो वो रहा एक, ये दो, तीन। सो गाइस, अभी तक हमने दो मंदिर कवर कर लिया है, अब हम तीसरे में जा रहे हैं और वो तीसरा मंदिर है मंगलनाथ मंदिर, जहाँ पर अभी हम देखते हैं जाके वहाँ पर क्या है, क्योंकि ये तो आपको पता ही है मेरा फर्स्ट टाइम है, हमारा फर्स्ट टाइम है, तो वहाँ पर क्या क्या चीजें हैं मैं आपको भी दिखाऊंगा, बने रहिए। तो हम आ गए मंगलनाथ मंदिर में, अभी हमको बताएंगे कि यहाँ पर होता क्या है। सुनो, ये मंगल ग्रह का जन्म स्थान है, पूरी धरती पे एक ही मंदिर है मंगल का। जैसे भगवान नौ ग्रह होता ना, नौ ग्रह में से यहाँ पे एक ग्रह विराजमान, जी के मस्तक के पसीने से हुआ। यहाँ पे शिव रूप में मंगल ग्रह जो है वो विराजमान है। इस प्रकार आप अभी तक जितने भी शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हो, शिव जी का सवारी आपने नंदी के ऊपर देखा, ये आपको नंदी नहीं मिलेगा, नंदी की जगह ये सब भेड़ का सवारी देखने को, भेड़ यानी कि मेंढा जो राजस्थान के अंदर पाया जाता है। सो बेसिकली यहाँ की मान्यता है कि ये जो हमारे मंगल ग्रह है, ये उनका एक इकलौता मंदिर है, मतलब उनका कहना था कि अगर किसी के ऊपर मंगल भारी है या जो भी है तो यहाँ पर ये चीजें, और ये अगर आप दान करते हो तो आपका मंगल सही हो जाएगा, उनका इस तरीके से कहना है। सो ये है मंदिर का एंट्रेंस, ये है एंट्रेंस, हम यहाँ से ऐसे घुसेंगे एंड लोग तो आप देख सकते हो, ये नंदी महाराज नहीं है, ये भेड़ महाराज, ये एक लौता मंदिर है जहाँ पर शिव जी भेड़ महाराज की सवारी करते हैं, ये भेड़ महाराज है यहाँ पर। अभी हमने मंगलनाथ का कर लिया है दर्शन, अब हम जा रहे हैं जिसके लिए मेन हम आए हैं, वो है काल भैरव। काल भैरव की ये मान्यता है कि कहते हैं कि आप महाकालेश्वर का मंदिर है जिसे
ठीक है, वहाँ पर आप फूल मत चढ़ाओ, बट अगर आप काल में आ रहे हो तो आपको शराब चढ़ानी ज़्यादा जरूरी है। तो ये एक एक बात लोगों की हमें मान्यता है, जैसे देखते हैं वहाँ पर कैसा है। और मैंने सुना है कि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ है, इससे तो जहाँ पर अभी हमसे मंगलनाथ में, हमें मंगलनाथ में हमें 1 घंटा लग गया, इससे ट्रिपल भीड़ है वहाँ पर काल में। तो लेट्स से हमें कितना टाइम लगता है और क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये है सेंट्रल जेल यहाँ की, बहुत बड़ी, तो हम वहीं से गुजर रहे हैं। इजस ये गुड पीना भी पड़ता है, ये गाना ये गाना। तो तेजस भाई ने ले लिया है माल मटेरियल, तो अभी हम भगवान को चढ़ाएगा, कम पिए खुद पे ज्यादा चढ़ाएगा। सो हम वैसे नहीं पीते गाइस, हम बस मजाक कर रहे, ये भगवान के लिए ही है। मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, ऐसी भीड़ से हम चल चल के आगे आए हम यहाँ। तेजस हाउस ऑफ फीलिंग, सो फाइनली दर्शन हो गए काल भैरव महाराज के। पर हमारे साथ एक सीन हो गया है, सीन ये हुआ है कि जो हमने पैसे इन्वेस्ट करे थे ये चढ़ाने के लिए, वो आज के दिन नहीं चढ़ रही है। तो हम तो पीते नहीं है, बट लेट्स सी क्या कर सकते हैं इसका, या तो घर ले जाएंगे या किसी गरीब को दे देंगे जो पीता होगा, मेरे पापा और मेरे दादा के लिए। ठीक है, चलिए। सो फाइनली सारे दर्शन हो गए, पैरों की वाट लगी क्योंकि कल से हम सोए नहीं। कल हम ट्रेन पकड़ा, हमने हम आए सुबह सुबह, फिर हम रेडी होके होटल ढूंढ रहे थे, फिर हम रेडी हुए, फिर हम पर मंदिर घूमे, फिर अब पूरा दर्शन कर लिया। ये मेरा सेकंड ब्लॉग है, दे माइट पॉसिबल कि मैं ये सेकंड ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करूं, बट अगर आज हम शाम को, वैसे हम भस्मा आरती के लिए जा रहे हैं, हमारी बुकिंग है, अगर भस्मा आरती में अगर मुझे मौका मिला कि मैं वीडियोज़ कर सकूँ तो मैं ज़रूर डालूंगा, नहीं तो मैं तीसरे ब्लॉग में डालूंगा। बने रहना भस्मा आरती के लिए, बाय बाय गाइस। सो गाइस ये एक बोनस है साथ में मंदिर का, स्पेशली हम यहाँ पे देखने हैं। यहाँ पे आप ये पीछे देख सकते हो, ये पूरा दिया एक साथ वो जलाते हो, ट्रिक है वो, मेन हम वही देखने हैं। हम देखते हैं, अगर अंदर मौका मिला रिकॉर्ड करने का तो मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। सो गाइस फाइनली हम लड़ वड़ के देख रहे हो भीड़ कितनी है, ये देखने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और भीड़ देखो आप खाली, अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। लकीली हम घुस गए, मैं आपको दिखाता हूँ हम कहाँ खड़े। ओके, हमने बालकनी सीट पकड़ ली है, ये रही बालकनी और ये रहा वो दिया। सो हमें बालकनी सीट मिल गई है फ्री में, अच्छा व्यू यहाँ का, अच्छे से रिकॉर्ड करूँगा। उड़ जाए
जगह देखो, माता देवी ने चेहरे पर मंगल सूत्र में बनाई गई चीजों का ध्यान रखें, छोटे बच्चों के हाथ पकड़ कर रखें।